अगर लाल चौक में हमारे रेजिडेंसी रोड में रोड के दो दाएं बाएं में चलने की जगह नहीं होगी तो फिर ये कौन सा लाल चौक है, तो कौन सा रेजिडेंसी रोड है? कंट्रैक्टर्स को भी पता चला है कि इस पे से किया जा सकता है काम। G20 इजलास जब अख्तिताम पज़ीर हो जाएगा तो क्या काम की रफ्तार तब भी यही रहेगी? सड़कें चौड़ी होने के बजाय तंग होती जा रही हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे इसके पीछे का लॉजिक क्या है? सो दैट सिंस लाल चौक इज़ ए कमर्शियल हब और बहुत सारे ताजरों का यह खदशा है कि कहीं उनकी इस्टेब्लिश को हटाया नहीं जाएगा या कुछ, अगर हटाया जाएगा तो क्या मुतबादल दिया जाएगा, तो इस तरह का थोड़ा वाजिया। जी नाज़रीन, श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के CEO अथर आमिर साहब हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो आपका खुश आमदीद। थैंक यू। सर, जिस तरह से काम चल रहा है, कोई सोच नहीं रहा था कि पोलो व्यू इस तरह हो जाएगा, तो हम क्या मान के चलें 22 तारीख तक ये सारे जो काम हैं ये पूरे हो जाएंगे? नहीं, 22 तारीख तक हमारी बहुत सारे काम पूरे हो जाएंगे। एक जो इसके बाद हमारा इम्पोर्टेंट रेडी जो प्रोजेक्ट हो रहा है वो है हमारा राजबाग रिवर फ्रंट, तो वो भी मुझे लगता है बड़ा खूबसूरत बना है। तो वहाँ जब आप विज़िट करेंगे तो इट हैज़ अगेन बिकम वेरी नाइस प्लेस, वहाँ लोग वॉक कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। सो इसी तरीके से हमारा जो यहाँ गुपकार जंक्शन है दैट इज़ ऑलमोस्ट कम्प्लीट। काफ़ी और भी हमारे एयरपोर्ट रोड पे हमारे स्प्रूसिंग अप काफ़ी चीज़ें थी, एलुमिनेशन रेस्टोरेशन काफ़ी बिल्डिंग्स का था, वो कम्प्लीट हुआ है। अगले इसी हफ्ते में हमारी 4 प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन है, सो दोज विल बी डेडिकेटिंग ऑनरेबल एल जी साहब इसी हफ्ते में करेंगे। तो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सारे काम कम्प्लीट हो, और जिस तरीके से ये बना है इसी पैटर्न पे जो हमारा लाल चौक है, पूरा रेजिडेंसी रोड है या करण नगर एरिया है, इसी तरीके से जो हमारा निषाद का पोर्शन है, शालीमार गार्डन है, पूरा डल का पेरिफ्री, डल गेट से लेकर बराबर हब्बक तक का जिस पे काम चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हो, कंप्लीट हो। और क्योंकि नेचुरल चीज़ होता है जब कोई चीज़ कंप्लीट हो जाती है, और तो अपना किस इंटेंशन के साथ बनाया गया है, इसका क्या मकसद है और क्या किया गया है, वो तब थोड़ा सा बेहतर तरीके से पता चल पाता है। सर, ज़्यादातर लोग ये जानना चाहते हैं कि G20 इजलास जब अख्तिताम पज़ीर हो जाएगा तो क्या काम की रफ्तार तब भी यही रहेगी? काम की रफ्तार बिल्कुल ऐसे ही रहेगी। तो ये काम एक्चुअली लास्ट ईयर, पिछले जो 2022 के टुवर्ड्स द एंड अक्सर काम हमारे शुरू हुए थे, पिछले साल में ही शुरू हुए थे। हम लोगों ने इनफैक्ट यही इंश्योर किया था कि विंटर में भी जब इतनी ठंड होती है तब भी कोई काम कम्प्लीट जो है रुके नहीं। इनफैक्ट जब पूरा बर्फबारी होती थी विंटर, तो हमने पूरे रेजिडेंसी रोड में ड्रेनेज नेटवर्क भी डाल दिया, हमने सीवरेज नेटवर्क भी डाल दिया, अंडरग्राउंड हम लोगों ने डक्टिंग भी करी, तो कोशिश की। और इन दिनों भी अब हम लोग जो है डे एंड नाइट में काम करते हैं, तो अक्सर प्रोजेक्ट्स में हमारा सुबह जो है सुबह की फजर नमाज के साथ ही काम शुरू हो जाता है। तो यही पेस, क्योंकि G20 से हमें एक चीज़ बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ कि हम लोग जो सब चीज़ों को एक जो है टॉप गियर पर डाल पाए, कोऑर्डिनेशन बड़ा आसान हो जाता है। तो इसे एक वर्क कल्चर भी अब सारे एजेंसीज़ में, कंट्रैक्टर्स को भी पता चला है कि इस पे से किया जा सकता है काम। तो मुझे लगता है बाकी आने वाले जो एज वी मूव अलॉन्ग दिस इज़ डेफिनेटली अ बिग बिग हेल्प टू अस। सर, आम लोगों में ये देखा जा रहा है कि सड़कें चौड़ी होने के बजाय तंग होती जा रही हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे इसके पीछे का लॉजिक क्या है? सो दैट जो एप्रिशिएशन से वो एक आपसे गुजारिश करूँगा कि यहाँ दो रोड हैं, एक साइड से MA रोड है, दूसरे साइड से रेजिडेंसी रोड। जब आप अभी इस पोलो के एज पे पहुँचेंगे तो MA रोड का थोड़ा सा आप व्यू ले लीजिए, अगर ये आपको लगे कि किसी तरीके से नैरो रोड है, इट्स अ वेरी वाइड रोड। इसी तरीके से आप रेजिडेंसी रोड देखेंगे, ये किसी भी एंगल से जो है दिस इज़ नॉट ए नैरोड डाउन रोड, सो कहीं पर भी जो है नैरोइंग का रोड्स का नहीं किया गया। बट वट वी हैव डन इज वी हैव नंबर वन डन ज्योमेट्रिकल करेक्शन ऑफ द रोड्स। जब रोड बनता है, रोड का बेसिक ही होता है रोड होना चाहिए यूनिफॉर्म, ये कहीं चौड़ा कहीं पतला नहीं होना चाहिए। चौड़ा पतला होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जहां चौड़ा होता है वहां ट्रैफिक मल्टीपल लेन्स में मूव करता है, फिर आगे वो नेगोशिएट नहीं कर पाता है नैरोअर स्ट्रेच को। तो अर्बन रोड्स में अक्सर जो दिस इज़ अ ब्रॉड पैटर्न दैट इज़ फॉलोड, दे हैव टू बी यूनिफॉर्म, तो वो यूनिफॉर्मिटी हमने मेंटेन की है। प्लस जो दोनों साइड की जगह है, अक्सर व्हाट वी हैव डन इज फॉर एग्जांपल MA रोड पे या किसी भी रोड पे देखोगे, पहले हमारी नालियाँ होती थी, हर रोड पे 4 नालियाँ होती थी, एक नाली लेफ्ट फुटपाथ पे होती के साथ में होती थी, एक राइट फुटपाथ के साथ में होती थी, और दो नालियाँ हमारी मीडियन के दो साइड में होती थी। हम लोगों ने क्या किया कि पूरा ड्रेनेज अंडरग्राउंड कर लिया, तो ये नालियों की भी जगह
जो है यूटिलाइज हो गई, तो दैट इज़ ऑलमोस्ट मुझे लगता है 80 सेंटीमीटर ऑन एन एवरेज रोड से हम निकाल पाए। तीसरा, हमारे अक्सर रोड्स में ये भी प्रॉब्लम थी, ये राजबाग से भी देख सकते हैं आप, एमए रोड से भी देख सकते हैं, जो हमारे पोल होते थे इलेक्ट्रिक पोल, वो बिल्कुल बीच फुटपाथ में होते थे, उनको भी हमने रैशनलाइज किया, कहीं पे उनको MUC की तरफ लाया, कहीं पे हम लोगों ने उनको प्रॉपर्टी लाइन की तरफ किया, उससे भी वो जगह एक्सपैंड हो गई। तो उस वजह से आपको एक एक्सपेंसिव एक बड़ा फुटपाथ भी दिखता है, ठीक। तो ब्रॉडली हम लोग लगभग 8-9 रोड्स पे काम कर रहे हैं, आप पूरा बुलेवार्ड देखेंगे, कहीं पे भी रोड की कैरियेज जो है इट हैज़ बीन कैप्ट एज इट इज़, जिस तरीके से था। एयरपोर्ट रोड है, उसमें कहीं कहीं पे कैरियेज को बढ़ा ही गया है रादर देन रिड्यूसिंग इट। रेजिडेंसी रोड में भी है, कैरियेज इज़ यूनिफॉर्म एंड इट इज़ वाइड इनफ, ये काफ़ी वाइड है। तीसरी, आप बटमालू रोड्स की बात करें या बाकी जगहों पे भी, दैट इज़ अ ब्रॉड पैटर्न दैट वी हैव फॉलोड। और एक चीज़ बहुत अहम है जो मुझे लगता है बदकिस्मती से हम लोग मुझे लगता है कई बार अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं, कि एक हाईवे और अर्बन रोड के बीच का एक फ़र्क होता है। हाईवे इज़ हाईली मेंट फॉर कार्स, इट्स फॉर व्हीक्यूलर ट्रैफिक विच हैज़ टू रन एट अ वेरी हाई स्पीड। इनफैक्ट काफ़ी जगहों पे आपको एक्सप्रेस वे मिलेगा या हाईवे मिलेगा जिसमें मिनिमम स्पीड लिमिट होता है, कि इससे नीचे आप स्लो नहीं जा, इससे स्लो आप नहीं जा सकते हैं। लेकिन अर्बन रोड्स इसलिए जो होते हैं, इनका पर्पज़ मल्टी काफ़ी होता है, यहाँ लोग भी चलते हैं, पेडस लोगों को भी चलना होता है, यहाँ साइक्लिस्ट को भी चलना होता है, लोगों को रोड क्रॉस भी करना होता है, फ्रिक्वेंटली क्रॉस करना होता है। तो अर्बन रोड में, अर्बन जितने भी स्पेसेस हैं वहाँ पे फुटपाथ, लोगों के चलने की जगह बहुत ज़रूरी है। सो इट इज़ नॉट एन एड ऑन, फुटपाथ रोड के दाएं या बाएं में कोई एड ऑन नहीं है, इट्स अ बेसिक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर लाल चौक में, हमारे रेजिडेंसी रोड में, रोड के दो दाएं बाएं में चलने की जगह नहीं होगी, तो फिर ये कौन सा लाल चौक है, तो कौन सा रेजिडेंसी रोड है ये। सो अर्बन, जब भी अर्बन डिज़ाइन होता है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ में फुटपाथ्स का होना, अच्छे फुटपाथ्स का होना लाजमी है, नेसेसरी है। और सर जो ड्रेनेज का निज़ाम, इसी तरीके से जो ड्रेनेज है, अगर आप देखेंगे जहाँ जहाँ पे भी स्मार्ट सिटी के काम चल रहे हैं, हमने सबसे ज़्यादा फोकस हमारे अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया है, ड्रेनेज नेटवर्क्स नए डाले हैं। यहाँ पे भी अगर आप अभी भी किसी भी जो हमारे कैच पिट पे जूम इन करेंगे, आपको दिखेगा किस डेप्थ पे किस तरीके से इसका ड्रेनेज नेटवर्क बनाया गया है। लाल चौक में देखेंगे हमेशा छोटी सी बारिश पे भी इनंडेटेड होता था, अब नहीं हो रहा है क्योंकि उसका ड्रेनेज उसी तरीके से बनाया गया है। इसी के साथ ड्रेनेज के साथ साथ एक सीवरेज होता है, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली सीवरेज और ड्रेनेज अलग अलग कहीं पर नहीं है, सब एक ही में चला जाता है। तो इन सभी जगहों पर हमने अलग से सीवर नेटवर्क भी डाला है, कि जो सीवरेज है, जो ग्रे वाटर है, वो स्टॉर्म वाटर के साथ नहीं डले। स्टॉर्म वाटर बारिश का पानी होता है जो नदी में जाता है, जो रिवर में जाता है, लेकिन गंदा पानी को STP जाना पड़ता है, उसको फिल्टर होना पड़ता है, तब जाके ट्रीट होना पड़ता है, तब जाके उसको रिलीज़ किया जाए। सो उसी तरीके से इसको किया गया है। सिंस लाल चौक इज़ ए कमर्शियल हब, और बहुत सारे ताजरों का यह खदशा है कि कहीं उनकी इस्टेब्लिश को हटाया नहीं जाएगा, या कुछ अगर हटाया जाएगा तो क्या मुतबादल दिया जाएगा, तो इस तरह का थोड़ा वाजिया कर दे, सो दैट वो जो मसमसे में है वो ठीक। आई डोंट नो ऐसा कौन है इस तरीके से। तो लाल चौक में भी हम मेजर जो है पूरे रेजिडेंसी रोड पर काम कर रहे हैं, लाल चौक प्रसिद्ध में काम कर रहे हैं, वहाँ से एज सच किसी भी शॉपकीपर या किसी भी बिल्डिंग को कोई इस तरीके से हमारे पास एज सच कोई आया नहीं है, दिस इज़ नॉट, देर इज़ कोई इस तरीके का कुछ है नहीं, क्योंकि हम पूरा जो जिस तरीके से पोलो व्यू है इसका रीडेवलपमेंट किया गया, बट शॉप्स जो हैं दे आर देयर, जो सब चीज़ इन्हीं के लिए किया गया है, दिस इज़ देयर द बिगेस्ट स्टेक होल्डर्स इन इट। सो उसी पैटर्न पर बाकी जगहों पर भी किया जा रहा है। सर, आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो नाज़रीन, आपने देखा, ये थे श्रीनगर स्मार्ट सिटी के CEO अथर आमिर साहब, जिनका साफ तौर पर कहना था कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के जो काम जरदस्त लिए गए हैं, G20 के इजलास के बाद भी ही इन काम की सूरत को, इस काम की रफ्तार को इसी तरह जारी रखा जाएगा। जीके वेब TV के लिए श्रीनगर से मैं ज़ुबैर कुरैशी।